हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान जिनका नया शो आ रहा है और एक बार कुछ अलग करके इस बार नजर आने वाले हैं, अविनाश मिश्रा। अविनाश, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। अविनाश, दुर्गा में एक देव का जो किरदार है, काफी कुछ चेंजेस आपने लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए अपने अंदर फिजिकली और मेंटली कैरेक्टर के लिए, थोड़ा सा बताएंगे कैसा किरदार है, क्या कुछ होने वाला है? जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ दुर्गा में, उसका नाम है देव। एंड जो देव है ये थोड़ा मेंटली अनस्टेबल गाय है। एंड ऐसा कैरेक्टर है जिसको 12-15 साल से एक रूम में बंद रखा गया है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मेंटल टॉर्चर बहुत हुआ है, फिजिकल टॉर्चर बहुत हुआ है। तो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज कास्टेड फॉर दिस रोल, आई वाज लाइक यार मैं बहुत मस्कुलर हूँ एंड फिट हूँ, इसमें कैरेक्टर में जस्टिस नहीं होगा। सो व्हाट आई हैड टू डू कि लेट्स लूज सम वेट। तो मैंने वेट लूज किया एंड देन आई सेड कि यार अगर इसको हमको किडिज दिखाना है, बिकॉज दिमाग जो है 5 साल के बच्चे का है, तो बच्चा वाला लुक मैंने बियर्ड हटा दिया, सो दैट वो अपीयरेंस आया है कैरेक्टर में। तो ये कुछ चेंजेस किए सो दैट कि ऐसा लगे कैरेक्टर। अविनाश वी ऑल नो कि हाउ एफर्ट एंड हाउ मच ऑफ हार्ड वर्क इट टेक्स टू बिल्ड अप अ गुड बॉडी, बट आपकी इतनी अच्छी बॉडी थी कि जब उसे लूज आउट कर दिया तो कितना दर्द हुआ, कितना बुरा लगा? थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बिकॉज बीइंग मैं बहुत स्लिम था पहले, बहुत स्लिम था, तो मैंने बहुत मेहनत कर कितनी बॉडी बनाई थी, यू नो, जिम जा जा के एंड बहुत चीज़ें खानी पड़ती है इन सब बॉडी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें खा रहा था, अचानक से आई हैड टू लूज। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बार आया दिमाग में कि यार वापस से बनाना पड़ेगा, फिर वापस जब रिक्वायर्ड होगी तो उतनी मेहनत लगी, बट ठीक है, अभी दैट्स एन एक्टर्स लाइफ, वो एक आपका जर्नी का पार्ट है तो वो करना होता है। तो लाइक ठीक है अभी करते हैं, देन अगेन जब कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी देन आई विल पुट ऑन सम वेट। Exactly, जिससे आपने बताया लाइक काफी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गए हैं, तो इसके लिए मतलब एक स्पेसिफिक डाइट, कितने कितने दिनों में कितना वेट लूज किया आपने? आई गेस व्हेन आई जॉइंड द शो उसके जस्ट 1 महीने बाद शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो आई गेस 1 मंथ में 5 to 6 केजीज मैंने लूज किए। आप जब ऑन सेट जाते हो, जब आप फ्लोर पे जाते हो परफॉर्म करने के लिए, दैट टाइम यू नीड टू बी इन दैट मूड। उसके पहले आई फील मतलब ये मिथ है, दुनिया में मिथ बना दिया है सर लोगों ने, एक्टर्स कई बार ऐसा झूठ भी बोल देते हैं कि मैं अपने आप को रूम में बंद करके रखा था टू गेट दैट कैरेक्टर, वो सब झूठ होता है, सब फेक होता है। आप जाके देखो घर में सब पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस जब आप सेट पे जा रहे हो, आप जब लाइन्स पढ़ते हो, जब आप फ्लोर पे एंटर करते हो, दैट टाइम यू नीड टू बी इन दैट मूड कि हाँ आपको वो जोन मिले परफॉर्म करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है आप 6-7 महीनों से अपने आपको कमरे में तो कि उस जोन में परफॉर्म करते हो एंड देन कट होता है, यू गेट आउट ऑफ दैट जोन, दैट्स इट, यही है। ऑलराइट, अब जबकि नया शो हाल ही में आप ये तेरी गलियां, आप ये रिश्ते हैं प्यार के एंड नाउ दुर्गा, 2020 में काफी अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लिए रहे हैं, but somewhere down there it's ending on a good note for you. Well, honestly mere liye bahut good end pe note ho raha hai, and not only for me I guess, because jitne bhi I guess 2020 kisi ke liye bhi acha nahi ja raha tha post February, sabke life mein problems aayi, dikkatein aayi, lockdowns ho gaye, to wo sari cheeze hui, but I guess August se abhi December tak aaye dekho to sari cheeze khul gayi hai, wapas se cheeze track pe aa rahi hai, to I guess sabke liye acche note pe hi end ho raha hai ye, and bahut kuch sikha ke gaya hai. तो 2020 वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस एंड अच्छे नोट पे एंड ही हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे से अलविदा कर दो, बिकॉज 2021 आ रहा है, सो लेट्स बी पॉजिटिव, सब चीजें अच्छी होंगी वहां पे। बिल्कुल, तो रिसेंट में हर किसी ने, जब लॉकडाउन का पीरियड था, हर किसी ने कुछ कुछ अलग अलग चीजें ट्राई की, हर किसी ने खाना बनाया, किसी ने कपड़े धोए, किसी ने कुछ अलग काम किया जो नॉर्मल चीजें, तो आपने किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज किया जो लॉकडाउन का पीरियड था? And apart from this time, जब आपने weight lose किया, हाँ बहुत से लोगों को हमने देखा जिन्होंने weight gain कर लिया, आपने weight lose किया for your character, और कौन-कौन सी चीज़ें आपने की?
वेल लॉकडाउन में मैं ऑब्वियसली मैं अकेला था घर पे, मतलब मुंबई में अकेला रहा था मैं, ये 70-80 days में अकेला था, तो ऑब्वियसली खाना बनाना सीखना पड़ा आपको, मतलब आता था मुझे बट प्रॉपरली उतना नहीं आता था कि मैं इतना एफर्ट लूँ, बट हाँ खाना वाना मैं खुद से बनाता था. देन आई रियलाइज कि आई लाइक डस्टिंग, मतलब मैं साफ सफाई करने में मुझे मज़ा आता है, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट. जब अब ऐसे रहते हो आप घर पे तो कुछ तो करना होता है, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मुझे वो सब भी अच्छा लग रहा था करने में. एंड देन एक अच्छी हैबिट बन गई सुबह 5 बजे उठने की, जो अभी तक कंटिन्यू हो रही है, तो वो मुझे अच्छा भी लगता है सुबह उठना, जल्दी सो जाना एंड देन फ्रेशली मतलब फ्रेश एयर लेना सुबह उठ के, तो वो चीज़ें कुछ अच्छी हो गई हैं लॉकडाउन में. तो आई गेस लॉकडाउन में बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर बुरी हुई तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी आप सीखे हो. 21 आ रहा है, 2021, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियसली ये साल से तो बेटर हो, बट कोई खास प्लान्स हाँ कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ मैं 2021 में. आई एम लाइक कि हाँ बस सब चीज़ें अच्छी हो, पॉजिटिव हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं. जो चीज़ होनी है वो होनी है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए जो आपका काम है उसको ईमानदारी से करें एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट्स इट, यही है 2021 में, और कुछ नहीं. एक्चुअली आने वाले समय में जिस तरह से मतलब शो शो आ रहा है आपका, हर कोई प्यार दे रहा है आपको, इससे पहले भी आपके किरदारों को बहुत प्यार मिला है, तो जब ये किरदार आपका सामने आया, तब के फैंस का, इंडस्ट्री फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, आपकी पहले की जो को-स्टार थी और जो आपके इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं उनका क्या रिएक्शन था इसके? वेल ऑनेस्टली मतलब बहुत डिफरेंट है ये कैरेक्टर. मैंने मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सारे एक्टर्स चाहते हैं अपने करियर में ऐसा कोई रोल मिले, मतलब 3-4 साल में आपको एक बार ऐसा एक चांस मिलता है, ऐसा ऑफर आता है कि ये कैरेक्टर प्ले करना है जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपको मेंटली अनस्टेबल प्ले करना है, तो ऐसा मिला मुझे चांस करने के लिए, तो मैंने सीधा ग्रैब कर लिया बिकॉज पोस्ट ईयर रिश्ते आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि कुछ अच्छा मिले, नहीं तो ये साल मैं स्टार्ट नहीं करता. बट एक दो जो मतलब दो तीन आए तो सिमिलर कैरेक्टर्स, वो रिच बिजनेसमैन लोग एंड रिच बिजनेसमैन वाला कैरेक्टर, लाइक नहीं यार ये हो चुका है, अभी कुछ नया मिल जाए इस साल में तो लेट्स डू इट, नहीं तो ड्रॉप करते हैं इस साल के लिए. बट ये मिला एंड बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया सारे एक्टर्स चाहते हैं ऐसा कोई कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए. जब मुझे मिला तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग था, एंड एज एन एक्टर भी आप खुद को पुश करते हो, एंड अभी इस एज में आई गेस इट्स गुड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज एन एक्टर, कि आपको पता तो चले आप किस लेवल पे हो, आप कितना कर सकते हो. बाद में एक फेज आएगा ये डेफिनेटली जब आपको वापस ये कैरेक्टर्स मिलेंगे, ये वाले बहुत जनरली मिलते रहते हैं रिच बिजनेसमैन लोग, कैसा चश्मा उतारो, दाढ़ी बढ़ाओ, सूट पहनो, हर शो में वही है, मैंने भी वही किया है. अभी ये डिफरेंट मिला है करने के लिए, जनरली मिलता नहीं है, आई सेड यार आई विल डू इट, आई डोंट गिव अ डैम आई एम लुकिंग गुड और नॉट, वेदर आई एम गोना लूज माय वेट और ज़्यादा स्वैगी लगेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू लुक स्वैगी, आई जस्ट वांट टू लुक एज अ गुड एक्टर. आई फील गुड व्हेन पीपल से वाओ यार एज एन एक्टर यू हैव ग्रोन, आई डोंट वांट टू बी नोन एज वाओ व्हाट अ स्टाइलिश एक्टर, व्हाट गुड क्लोथ्स ही वेयर, व्हाट गुड इज लुकिंग, नहीं आई एम एन एक्टर, इफ यू अप्रिशिएट मी फॉर माय एक्टिंग दैट्स द बेस्ट थिंग एंड आई फील प्राउड ऑफ माय सेल्फ. जो आपकी रुशिका, तो रुशिका से कोई रिएक्शन है आपके इस किरदार के बारे में? रुशिका है आपकी कावेरी जो पिछले शो में थे, बाकी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स किसी के कोई इनपुट्स? मुझे शहीर भाई से बात हुई थी एंड कावेरी से बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, बिकॉज जस्ट हम लोग हैंग आउट करते रहते हैं कभी कभी, तो दे वर रियली एक्साइटेड टू सी मी यू नो ऐसे लुक में, बिकॉज उस शो में मतलब बियर्ड रखा था एंड जैसे ही जिम खुले थे आई जॉइंट जिम, बिकॉज वो भी देखते थे कितना जिम पैशनेट है, तो मैं बॉडी बॉडी वापस से बना रहा था, तो अभी अचानक से दे यार सीइंग मी एज यू नो लाइक 18-20 years old किड, तो अभी उनका भी रिएक्शन तो ऐसा यार ये है क्या, क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, सो दे आस्क्ड मी आउट किया क्या कैरेक्टर है, देन आई टोल्ड देम दे वर रियली हैप्पी टू नो कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ऐसे शो में, तो उनसे ये सब बातें हुई थी मेरी. बिल्कुल, अब जबकि शो आ चुका है, अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, सभी पसंद कर रहे हैं, तो जाते जाते सभी दर्शक फैंस व्यूअर सभी से अपील करना पहले. थैंक यू सो मच, अभी तक 1 week हमने कंप्लीट कर लिए हैं शो में, अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है आई एम रियली ग्रेटफुल टू इट कि फैंस को पसंद आ रहा है एंड दे आर लाइकिंग कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करो एंड उसके बाद अप्रिसिएशन मिले, बहुत मतलब रिस्की कैरेक्टर भी है आपके करियर ग्राफ के लिए, बट आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि लोग पसंद कर रहे हैं एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा काम करके, मुझे भी अपने ऊपर अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं एज एन एक्टर खुद को पुश कर रहा हूँ, सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, प्रीवियसली भी आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही देते रहिएगा, नया साल आ रहा है तो स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी, सब कुछ अच्छा होगा, दैट्स इट. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट, विश यू लक.
थैंक यू, थैंक यू।